OnePlus ने फाइनल रोल आउट कर दिया ऑक्सिन ओएस 13 का अपडेट और ये ऑफिशियल अपडेट ना OnePlus के 8 सीरीज तक के डिवाइस को मिल चुका है। मतलब 8 सीरीज के हर डिवाइस को, 9 सीरीज के हर डिवाइस को और 10 सीरीज के हर डिवाइस को मिल चुका है। जिनको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो बैच वाइज रिलीज हो रहा है, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन पता है ये अपडेट को अपडेट करने के बाद में ना OnePlus के बहुत सारे फोन्स में बहुत बड़ा बड़ा इश्यू आ रहा है। टू बी फ्रैंक गाइस, Oxygen OS 13 में बहुत सारे सीरियस इश्यूज है। अगर आप एक गेमर हो ना तो आप मेरे दर्द समझ पाओगे। फ्रेम ड्रॉप बहुत ज्यादा हो रहा है, बैटरी इशू, डिस्प्ले इशू, इवन OnePlus के 80 में ना ग्रीन लाइन इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हार्डवेयर में इशू हो गया है और डिस्प्ले खराब हो गया है। जो लोग परेशान हो चुके हैं Oxygen OS 13 के अपडेट से और जो लोग वेट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट का जिसमें बग्स फिक्सेस हो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए कि कैसे आप डाउनग्रेड कर सकते हैं Oxygen OS 13 से Oxygen OS 12 के अंदर। अपने फोन को डाउनग्रेड करने के लिए Oxygen OS 12 के ऊपर जो Android 12 बेस्ड हो उसके लिए आपको फाइल चाहिए होगा Oxygen OS का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपने फोन के अकॉर्डिंग अपना फाइल डाउनलोड कर लेना। जैसे आप फाइल डाउनलोड कर लोगे सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में आ रहा है और उस फाइल को ना रीनेम करना है। वो पहले RAR फॉर्मेट में रहेगा, आपको रीनेम करके उसे RAR को हटा देना है। रीनेम में क्लिक करो और लास्ट में जो आपको .rar दिखता है ना उसे आप हटा दो और ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो आपका ये RAR फाइल हट जाएगा और ये zip में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने सेटिंग्स में और आपको जाना है अपने अबाउट फोन के अंदर। वर्जन पे क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा अंदर में बिल्ड नंबर, और इस बिल्ड नंबर पे ना टोटल आपको 7 बार कंटिन्यूसली क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो नीचे में आपको डेवलपर मोड ऑन करने का आ गया होगा यहाँ पे पॉपअप। उसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जाना है अबाउट फोन के अंदर में ही, आपको देखने को मिलेगा अपना Oxygen OS का नाम, उस पर क्लिक करो और ऊपर में 3 डॉट्स देखने मिलता है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा लोकल इंस्टॉल का। और इस लोकल इंस्टॉल में से आपको अपने पहले वाले फाइल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको डाउनग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये बहुत ही इजी स्टेप है और इसमें से कोई भी डाउनग्रेड कर सकता है। गाइस हम पूरा मेहनत करते हैं आपको हर चीज के बारे में अच्छे से अवेयर करें, बस एक चीज आप नहीं कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो प्लीज एक लाइक दबा देना। फर्दर स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक यहाँ पे वार्निंग है, अगर आप डाउनग्रेड करते हो अपने फोन को तो आपका हर डेटा ना इरेज हो जाएगा। अगर यहाँ से आप अपग्रेड करोगे ना तो आपका डेटा इरेज नहीं होता है, लेकिन डाउनग्रेड करने पे आपका सभी डेटा इरेज हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले बैकअप कर लो अपने पूरे फोन का, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये रहा वो फाइल जो मैंने अभी रीनेम कर दिया है और इस पे आपको सिंपल सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका वर्जन नेम 0.35, इसका वर्जन नेम है इस अपडेट का और ये एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है और ये Oxygen OS 12 पे ही है। उसके बाद सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट बटन में क्लिक करना है और आपका फाइल ना एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इंस्टॉल भी ये होने लगेगा। उसके बाद आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा और डाउनग्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपको वही स्क्रीन देखने मिलेगा जैसा आपको पहला नया जब फोन बाय करते हो, जो आपको सेटअप प्रोसेस होता है वो सब आपको फिर से करना पड़ेगा और आपका फोन पूरा रीसेट हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, फोन रीसेट हो जाता है तो आपको बैकअप पहले से करके रखना पड़ेगा। हियर वी गो, अब आपका फोन Oxygen OS 12 पे आ चुका है जो एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है। ये तो स्टेप अपने फोन को डाउनग्रेड करने के लिए Oxygen OS 12 के अंदर। अगर आप बहुत सीरियस इश्यूज फेस कर रहे हो ना तभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा डाउनग्रेड करने के लिए। अगर थोड़े मोड़े इश्यूज है तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फोन में ना OnePlus पुश करने लगा है बग फिक्सेस का अपडेट, तो इसे आप ध्यान रखना। अगर आप बहुत ज्यादा ही इशू फेस कर रहे हो, आप नहीं बेयर कर सकते हो इस अपडेट को अब थोड़ा भी देर तक, तो आप अपना फोन को डाउनग्रेड कर सकते हो, बाकी वो आपकी मर्जी होगी। तो गाइस कुछ इस तरह से डाउनग्रेड कर सकते हो आप अपने Oxygen OS 13 को Oxygen OS 12 के अंदर, और फार बेटर है यार Oxygen OS 12, और स्टेबल भी मेरे को लगता है, गेमिंग में इतना कुछ इश्यूज नहीं था। Oxygen OS 13 में तो लिटरली भाई बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आ रहा था गेमिंग के अंदर, इवन UI में भी बहुत ज्यादा इश्यूज था। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप कमेंट करके बताते हो, कोई भी सवाल या सुझाव हो या कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, या इंस्टाग्राम में आओ हम लोग वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अगर ये वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, फर्दर बिजनेस सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन को बजा लो, क्योंकि ऐसे तगड़े वीडियो ना हम लोग Oxygen OS 13 पे और नए नए फोन पे लाते रहते हैं। अगर आपको जानना है Oxygen OS 13 में क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे क्लिक करो, अगर आपको जानना है फीचर्स क्या क्या मिलते हैं तो यहाँ पे क्लिक करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।